So now I am going to solve exercise 9.1 from NCERT, which is very simple exercise. First question is, identify the terms and their coefficients. For each of the following, छोटे छोटे इसके सब पार्ट्स हैं, 5xyz² -3zy. This is first. 5xyz² -3zy. हमको इसमें बताना है, identify the terms, कितनी terms हैं. तो यहाँ पर कितनी terms हैं? दो. terms कैसे हम decide करते हैं? जो भी बीच में operation आ रहा है, तो एक ये हो गई, एक separately ये term हो गई. ठीक है? अब यहाँ पर आपका answer क्या होगा? They have asked terms. तो terms में आप लिखेंगे 2. And now their coefficient. पहले तो हम terms लिख दें. terms क्या-क्या हैं? इसके बजाय हम इसे chart के form में कर लें. हम टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स का चार्ट बना देते हैं. इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स. टर्म्स यहां पर क्लियरली दिख रहे हैं, 1, 2, एंड इसके बाद हमें इनका क्या निकालना है? कोएफिशिएंट. तो बेटर है हम इंस्टेड ऑफ कि हम ऐसे सॉल्व करें, हम इनका एक चार्ट बना लेते हैं. ठीक है? फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज 1 + x + x², थर्ड इज 4x² y² -4x² y² z² +z². फोर्थ इज 3 - PQ + QR - RP. फिफ्थ इज x/2 + y/2 - xy. एंड द लास्ट वन सिक्स्थ इज 0.3a - 0.6ab + 0.5b. सारा क्वेश्चन हमने एक साथ ले लिया, क्योंकि हमें इसमें टर्म बताना है एंड कोएफिशिएंट. तो हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं. यहाँ पर हम टर्म्स लिख देंगे एंड यहाँ पर हम कोएफिशिएंट्स लिख देंगे. ठीक है? फर्स्ट में कितनी टर्म दिख रही है? 2. वो टर्म क्या क्या है? फर्स्ट इज 5xyz², दिस इज योर फर्स्ट टर्म. एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म. ये हमने क्या किया? टर्म लिख ली. अब हम कोएफिशिएंट देखेंगे. यहां अगर हमसे स्पेसिफिकली अगर पूछते, लेट्स से y का कोएफिशिएंट, तो हम y को छोड़ देते और बाकी सारा आपका आंसर होता. कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो भी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं उस टर्म का कोएफिशिएंट. यहां पर कोई स्पेसिफिक टर्म के बारे में बात नहीं करी, पूरी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं. तो कोएफिशिएंट क्या होगा? एग्जैक्टली 5. ठीक है? मींस इस पूरे को हम एक टर्म कंसीडर करेंगे और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 5. सिमिलरली ये पूरा एक टर्म है, तो देयर कोएफिशिएंट इज -3. चार्ट के फॉर्म में करेंगे तो ईजी हो जाएगा. वैसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही है. सेकेंड में हमारे पास 3 टर्म है, 1, 2, 3. तो सबसे पहले हम टर्म लिख लें. फर्स्ट इज 1, सेकेंड इज x एंड थर्ड इज x², सभी प्लस के हैं. अभी हमने क्या किया? टर्म्स लिख लिए. आफ्टर राइटिंग द टर्म नाउ वी विल फाइंड द कोएफिशिएंट. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 इटसेल्फ. तो आपका कोएफिशिएंट क्या जाएगा? 1. तो यहाँ पर टर्म है x, बट इसका कोएफिशिएंट क्या है?
यस अगेन वन, बिकॉज एक्स के पास कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, वन है. सिमिलरली एक्स स्क्वायर के पास भी क्या है, वन है. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल कोएफिशिएंट्स आर वन, जो भी नंबर वो टर्म को छोड़ के. तो यहां पर कोई भी नंबर नहीं है, तो मीन्स क्या है, वन. थर्ड, हम पहले टर्म लिख रहे हैं फिर कोएफिशिएंट. थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास अगेन थ्री टर्म्स हैं, ठीक है, थ्री टर्म्स. फर्स्ट इज फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सेकेंड इज माइनस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, एंड थर्ड इज जेड स्क्वेयर. अब हम इनके क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट. ये टर्म है, उसको छोड़ के जो नंबर होता है दैट इज योर कोएफिशिएंट. सिमिलरली यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस फोर, एंड यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स इट शोज दैट हेयर इट इज वन. तो वी हैव रिटन ऑल द कोएफिशिएंट्स. नाउ फोर्थ, फोर्थ इज व्हाट, यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर्थ में चार टर्म है, चार टर्म है, तो हम उसे नीटली पहले लिखेंगे. फर्स्ट टर्म इज थ्री, सेकेंड टर्म इज माइनस पी क्यू, थर्ड टर्म इज क्यू आर, एंड फोर्थ टर्म इज आर पी. ठीक है, नाउ इनके कोएफिशिएंट, थ्री का कोएफिशिएंट तो थ्री ही होगा बिकॉज इट इज अ नंबर. पी क्यू का कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, वन, माइनस वन, बिकॉज माइनस पी क्यू को आप माइनस वन इंटू पी क्यू के इक्वलेंट लिखेंगे. सो इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस वन. तो ये आपको ध्यान से देना है इसका आंसर. इसका कोएफिशिएंट होगा प्लस का वन, एंड इसका भी कोएफिशिएंट होगा प्लस का वन. तो माइनस के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. सॉरी, फोर्थ टर्म इज नॉट आर पी, इट इज माइनस आर पी. अगेन इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस वन. मैंने कॉपी गलत कर दिया था इसलिए करेक्ट कर दिया है. नाउ फिफ्थ, फिफ्थ इज थ्री टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो सबसे पहले वी विल राइट टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज एक्स बाय टू फिफ्थ, सेकेंड टर्म इज वाई बाय टू, एंड थर्ड टर्म इज माइनस एक्स वाई. नाउ कोएफिशिएंट, टर्म को छोड़ के जो होगा वो आपका कोएफिशिएंट होगा. अकॉर्डिंग टू दिस कोएफिशिएंट इज हाफ. कैसे, हम यहाँ इसे सॉल्व करते हैं. x बाय टू को हम 1 बाय टू एक्स नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं. तो द कोएफिशिएंट इज हाफ. ठीक है, नाउ अनदर इज y बाय टू, मीन्स अगेन कोएफिशिएंट इज हाफ. इन द थर्ड टर्म, टर्म इज एक्स वाई, माइनस इज द साइन, सो कोएफिशिएंट इज माइनस वन, बिकॉज माइनस वन इंटू एक्स वाई, तभी हमारे पास ये आएगा. ठीक है, नाउ फिफ्थ, सॉरी सिक्स्थ, लास्ट वन. क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट आपको इसको केयरफुली करना होगा. फर्स्ट इज जीरो बाय थ्री ए, सेकेंड टर्म इज जीरो पॉइंट सिक्स ए बी, एंड थर्ड टर्म इज पॉइंट फाइव बी. ए को छोड़ देंगे वो कोएफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉइंट थ्री. इन दिस केस इट इज माइनस पॉइंट सिक्स बिकॉज दिया हुआ है साइन, एंड इन दिस केस द कोएफिशिएंट इज पॉइंट फाइव. मीन्स टर्म छोड़ दी हमने, जो भी आपका वेरिएबल था उसको छोड़ के बाकी हमने क्या लिख दिया, कोएफिशिएंट. तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर सीबीएसई बुक विच इज वेरी सिंपल. नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द सीबीएसई बुक इज, फर्स्ट वी हैव सॉल्व, सेकेंड क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. Polynomials and also find which polynomials do not fit
in any of these categories. ठीक है, यहाँ पे है क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स, मतलब हमें बताना है कौन से पॉलिनोमियल मोनोमियल है, बाइनोमियल है एंड ट्राइनोमियल है, एंड लास्ट में वो पूछ रहे हैं कि इन तीन कैटेगरी में कौन सा फिट नहीं हो रहा है. सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखें तो हमें उनका पर्पस समझ में आएगा कि व्हाट दे वांट टू आस्क. एक्स प्लस वाई ऑल टर्म्स आर इन कॉमास, 1000 एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, 7 प्लस वाई प्लस 5x, देन 2y माइनस 3y स्क्वेयर, देन 2y माइनस 3y स्क्वेयर, देन 3y स्क्वेयर प्लस 4 y क्यूब, उसके बाद है 5x माइनस 4y प्लस 3xy, उसके बाद और टर्म है कॉमा 4z माइनस 15z स्क्वेयर, देन अगेन कॉमा ab प्लस bc प्लस cd प्लस da, एंड इसके बाद है PQR, ओनली PQR, उसके बाद है P² Q प्लस PQ² एंड द लास्ट टर्म इज 2P प्लस 2Q. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिखने में ज़रूर ये बड़ा लग रहा है. इसमें हमें कैटेगरीज पता करनी है. हमारी तीन कैटेगरी तो हमें पता है, जिनमें एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, जिन एक्सप्रेशन में दो टर्म होती हैं बाइनोमियल, एंड जिन एक्सप्रेशन में तीन टर्म होती हैं ट्राइनोमियल, एंड फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारी टर्म होती है. हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से स्क्रूटनिंग कर लें. एक टर्म वाला हमें ये मिल रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है. ठीक है, तो हमारा मोनोमियल में जो कैटेगरी में जाएगा वो ये दो टर्म जाएंगे. 1000 इज मोनोमियल एंड PQR इज मोनोमियल. फाइन, नाउ बाइनोमियल देखिए, दिस इज बाइनोमियल जिनमें दो टर्म हो. और कहीं आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल एंड ऑल्सो दिस इज बाइनोमियल. तो हम बाइनोमियल की कैटेगरी में लिखेंगे एक्स प्लस वाई देन कॉमा 4z माइनस 15z स्क्वेयर कॉमा P² Q प्लस PQ² क्योंकि इन सब में दो टर्म है एंड लास्ट इज 2P प्लस 2Q. नाउ टाइम टू डिसाइड ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें तीन टर्म हो. इसमें तीन टर्म दिख रही है, दिस इज ऑल्सो थ्री टर्म्स, दिस इज ऑल्सो हैविंग थ्री टर्म्स, तो हमें तीन टर्म वाले भी मिल गए. हम यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस y प्लस 5x कॉमा 2y माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 4y क्यूब एंड द लास्ट इज 5x माइनस 4y प्लस 3xy. ट्राइनोमियल भी हमें मिल गया. अब हमारे पास ट्राइनोमियल को छोड़ के ये टर्म्स दो बच रहे हैं, एक ये एंड एक ये. तो आप क्या आंसर देंगे, दीज टू टर्म x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA डू नॉट फिट इन दिस थ्री कैटेगरीज, दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई
these are polynomial, ठीक है, ये इन कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रही, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, दैट्स व्हाई दीज आर पॉलीनोमियल। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट हमको टर्म की डेफिनेशन सारी पता होना चाहिए ना। थर्ड क्वेश्चन इज एट द फॉलोइंग, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स पढ़ी, फिर उनका हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन पढ़ा। सो ये क्वेश्चन जो है ये एडिशन पे है बेस्ड। थर्ड इज एड द फॉलोइंग, सिंपल एडिशन। फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। तीन टर्म्स दिए हुए हैं, तीन पार्ट दिए हुए हैं, उनको हमें ऐड करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप शुड बी ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। फाइन, नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। यहाँ पर सब में प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं आए, ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं था। नाउ वी विल सी लाइक टर्म, यहाँ ए बी है एंड ये भी ए बी है, तो हम क्या करेंगे उन्हें कलेक्ट कर लेंगे, ए बी माइनस ए बी, बी सी बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी एंड माइनस सी ए प्लस सी ए। हमने क्या किया, सारे लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लिया जिससे ऐड करना इजी हो जाए। अब ए बी में से ए बी गए, दैट विल गिव यू जीरो, और यू कैन डायरेक्टली कट, दोनों आप तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, वी हैव एक्स माइनस एक्स, सो आइदर यू कैन राइट जीरो और यू कैन कट बोथ द टर्म, दोनों का मीनिंग है कि उसका आंसर क्या है, जीरो। ये हो गया, यहाँ भी लाइक टर्म है बट एक माइनस है एक प्लस है, तो अगेन इट इज जीरो। मतलब फाइनली दीज ऑल टर्म्स आर कैंसिलिंग एंड आंसर इज जीरो। एक बार फिर से बता देती हूँ, वी हैव माइनस एक्स प्लस एक्स, टर्म तो लाइक है, साइन चेंज है, तो दे विल कैंसिल आउट एंड इट विल गिव यू जीरो। तो बहुत ही सिंपल एडिशन था, बस आपको साइन का ध्यान रखना है कि हमने कैसे उन्हें कैंसिल कर दिया। इनका सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस ए बी, b माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, तो हम वही प्रोसीजर, सारी टर्म को, सारे एक्सप्रेशंस को हम प्लस के फॉर्म में करेंगे। सारे एक्सप्रेशंस के अंदर हमने क्या पुट कर दिया, एडिशन का साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लाइक टर्म कलेक्ट कर लेंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। प्रॉब्लम कब होती है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज जाते हैं, बट इन दिस वी आर एडिंग और सब जगह प्लस है, ठीक है ना। लाइक टर्म ये ए है, अगेन ये ए है, तो हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं, B एंड B, हमने ये वाले सारे ले लिया, माइनस सी प्लस सी, ठीक है। अब ए बी के लिए कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हमने ए बी कॉपी किया, बी सी कॉपी किया एंड ए सी कॉपी किया, इनके लिए सिमिलर कोई टर्म नहीं थी बट इनके लिए थी, प्लस का ए माइनस का ए, अगेन माइनस प्लस माइनस प्लस, सो इट विल गिव यू जीरो। तो योर फाइनल आंसर इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे सिंपल नंबर में हम साइन का ध्यान रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड इज
2p square q square minus 3p q plus 4 and 5 plus 7p q minus 3p square q square. इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है. तो हम सबसे पहले एडिशन का साइन अप्लाई करेंगे. 3pq प्लस 4, ये स्टेप हमारा कंपलसरी है. सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे. सिंपल हमने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया. नाउ विल कलेक्ट लाइक टर्म. इसके लाइक में ये है तो इनको हम लिख देंगे 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर. इसके बाद pq एंड pq, ये भी लाइक है. एंड 4 और 5 नंबर्स हैं, उनको हमने सबसे लास्ट में लिख दिया. दिस इज माय 5, राइट. नाउ लाइक टर्म है, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 p स्क्वायर q स्क्वायर. एंड माइनस 1 लिखने का कोई लॉजिक नहीं है तो इसके स्टेप हम एक और बढ़ाएंगे. माइनस 3 pq प्लस 7 pq विल गिव यू प्लस 4 pq बिकॉज 7 इज ग्रेटर. लाइक टर्म कलेक्ट करने का यही फायदा होता है कि आपको केवल नंबर को ही सॉल्व करना है. माइनस 3 प्लस 7 विल गिव यू 4 बट प्लस का 4 क्योंकि 7 इज ग्रेटर एंड 5 प्लस 4 इज 9. नाउ यहाँ माइनस 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है इसलिए एक स्टेप हम और एडिशनल करेंगे, प्लस 9 बिकॉज हमने यहाँ क्या कहा था, 2 माइनस 3 विल गिव यू माइनस 1. तो ये हमारा रिजल्ट आया. बहुत ही सिंपल सा एडिशन था. लाइक टर्म को हमने कलेक्ट किया और नॉर्मल सॉल्व किया. फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL. चार टर्म है और उन्हें हमें सबको क्या करना है, ऐड करना. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इनको सारा एक्सप्रेशन के बीच में हमें ऐड का साइन पुट करना होगा. प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL. प्रॉपरली लिख दिया हमने. स्टूडेंट, ये चार सम जो हम ऐड के कर रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस करोगे, हर जगह टर्म का वेरिएबल चेंज कर दिया है हर क्वेश्चन में, जिससे आपको सारा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स फाइंड करना आ जाए. ठीक है. नाउ ब्रैकेट ओपन. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जैसा है उसे हमने पूरा कॉपी कर दिया. नाउ विल कलेक्ट लाइक टर्म. एल स्क्वायर यहाँ भी है, एल स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, इससे साथ लिख देंगे. एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बाकी एज इट इज. ठीक है. ना एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 2L स्क्वायर. सिमिलरली 2M स्क्वायर, क्योंकि लाइक है ये 2N स्क्वायर, बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज, क्योंकि इनके लिए कोई भी टर्म नहीं है जिसको हम सॉल्व करें. ये हमारा आ गया. आप चाहें तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं बट हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे. हम इसके बाद एक स्टेप और करेंगे. क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉमन निकाल के? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये बहुत प्रैक्टिस किया है कि जो नंबर कॉमन है उसे हम बाहर लिख दें. इसको अगर हम वेरीफाई करें तो इस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी है, इससे भी है, इससे, यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये 2 का मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म से, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा. तो आइदर यू कैन लीव हेयर ऑल्सो और हेयर, बट विल प्रिफर द लास्ट वन, क्योंकि 2 हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है. ठीक है. तो ये था एडिशन का क्वेश्चन.
अब जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें सब्ट्रैक्शन का भी प्रैक्टिस कराया है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फॉर सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने एडिशन किया तो अब हम सब्ट्रैक्शन को भी प्रैक्टिस करेंगे. फोर्थ का फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3. दोस्तों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट तो करना है, साथ में फ्रॉम दिया है. फ्रॉम मीन्स सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे. मीन्स पहले क्या आएगा हमारा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस, दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12. सिंपल सब्ट्रैक्शन बट फ्रॉम है इसलिए हमने ऐसे लिखा है. ठीक है, अब क्या होगा, इसको ओपन करेंगे. ओपन करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. ये प्लस का 4a है तो इट विल बिकम माइनस 4a. दिस इज माइनस 7ab तो इट विल बिकम प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12. ठीक है, नाउ लाइक टर्म 4a 12a आर लाइक, तो हम इन्हें कलेक्ट कर लेंगे. 12a माइनस 4a माइनस 9ab एंड प्लस 7ab, दीज आर लाइक ना 5b माइनस 3b, अगेन दीज आर लाइक एंड लास्ट इज माइनस 3 माइनस 12. सारी टर्म्स हमने लाइक कलेक्ट कर लें. 12a माइनस 4a means it will give you 8a, वो भी प्लस का, क्योंकि 12 क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, तो जो भी ग्रेटर नंबर है उसका साइन आ जाएगा. माइनस 9ab एंड प्लस 7ab, तो आपको यहाँ पर केवल क्या सॉल्व करना होता है, माइनस 9 प्लस 7, माइनस 9 प्लस 7 विल गिव यू माइनस 2 एंड टर्म ab, ये भी सॉल्व हो गई. 5b माइनस 3b मीन्स 2b एंड माइनस 3 एंड माइनस 12 मीन्स माइनस 15. तो आपका सॉल्व करने पे ये आंसर आया 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15. ठीक है, ना सेकेंड है इसका पार्ट बी. अगेन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम, मतलब यहाँ भी क्या है, फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz. फ्रॉम है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को पहले लिखेंगे 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz. ये होगी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx. सिंपल अरेंजमेंट, फ्रॉम है तो सेकेंड टर्म हमने पहले लिख दी. ब्रैकेट ओपन करेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. 3xy माइनस का हो जाएगा, 5yz भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, एंड 7zx प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का है. साइन चेंज हो गए. अब हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेंगे, ये और ये हमें लाइक दिख रही है तो इन्हें हम साथ में लिखेंगे 5xy माइनस 3xy, उसके बाद yz वाला 2yz एंड अनदर लाइक इज दिस माइनस 5yz.
zx वाला 2zx माइनस का प्लस 7zx, ये भी हमने कलेक्ट कर लिया. एंड ये टर्म है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज कॉपी. अब हम सॉल्व करेंगे. लाइक टर्म हमने कलेक्ट किए तो 5 माइनस 3 इज 2xy, प्लस के आएंगे बिकॉज 5 इज ग्रेटर. सिमिलरली माइनस 2 माइनस 5 विल गिव यू माइनस 7yz. यहाँ माइनस 2 प्लस 7, सो इट विल गिव यू प्लस 5zx. एंड इसके लिए कोई टर्म नहीं था, तो ये एज इट इज, दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, लास्ट सब्ट्रैक्शन इज क्वाइट लेंथी, तो हम इसको बहुत ध्यान से करेंगे. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट फोर पी स्क्वेर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10. ये पूरा एक एक्सप्रेशन है फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11 q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q. कोई बात नहीं, भले ही लॉन्ग क्वेश्चन है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको भी सही ही करेंगे. ठीक है, फ्रॉम है मतलब ये टर्म पूरा पहले आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q एक ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज ऑफ फ्रॉम सब्ट्रैक्ट था, ये हमने माइनस लगाया, 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10. ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे. ओपन करेंगे तो वो वाले ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q. ना ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर q माइनस का हो जाएगा. ये माइनस है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू प्लस, दिस विल कन्वर्ट इनटू माइनस, दिस विल कन्वर्ट इनटू प्लस माइनस एंड प्लस. ब्रैकेट ओपन हमने कर दिया, ये हमारा 7 है. ठीक है, नाउ लाइक टर्म नंबर को हम बाद में लिख लेंगे, p माइनस 3p. अब इसकी लाइक टर्म कहां पर है, प्लस 8p, तो हमने साथ में ले लिया. नाउ q की 11q लाइक टर्म ढूंढेंगे हम, तो वहां पर है हमारा 7q, ये भी ले लिया हमने, ये भी ले लिया, जो जो हमने ले लिया उसे हम टिक कर देंगे. ठीक है, नाउ 5p q. अब हम PQ का ले रहे हैं, PQ के लिए हमारे पास क्या है, प्लस 3PQ, ये भी हमने कलेक्ट कर लिया लाइक. नाउ 2PQ स्क्वायर, 2PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर वाली टर्म का है मेरे पास, ये माइनस 5PQ स्क्वायर, ये भी हमने कलेक्ट कर लिया. अब लास्ट पार्ट हमारा है 5P स्क्वायर Q. P स्क्वायर Q वाला क्या है मेरे पास, ये है माइनस 4p स्क्वायर क्यू. सब कुछ हमने ले लिया, ये भी हम ले चुके हैं, अब हमारे पास नंबर बचे हैं, प्लस का 18 प्लस का 10, नंबर्स भी हमने ले लिए. राइट, थोड़ा सा लेंदी है बट अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ हमारा प्रैक्टिस वो करवा रहे. माइनस 3 प्लस 8 विल गिव यू प्लस 5, ये सॉल्व हो गया. माइनस माइनस तो ये माइनस 18q हो गया,
इसको हमने सॉल्व किया, दोनों प्लस के हैं तो 8PQ हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। ये लाइक टर्म है या माइनस टू है या माइनस फाइव है, दैट विल गिव यू -7PQ², ये भी सॉल्व हो गया। 5P² में से 4P² गया तो 1P² बचा, मैं 1 नहीं लिखूंगी, प्लस 28। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट मी चेक द आंसर। 5P -18Q + 8PQ - 7PQ² + P² + 28। सो दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का पर्पस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कराना था, ठीक है।